बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम से भला कौन वाकिफ नहीं है। फैमिली ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को लोगों ने भरपूर पसंद किया था। साथ ही पसंद किया था इस फिल्म ड्रामा को मसालेदार बनाने वाले विलन देशराज ठाकुर को, जिन्होंने अपनी खलनायकी से फिल्म के हीरो को बराबर की टक्कर दी थी। और इस किरदार को निभाया था मशहूर अभिनेता मुकेश ऋषि ने, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के साथ इस किरदार को चार चांद लगा दिए थे और अपने इस किरदार के साथ एक घरेलू नाम बन गए थे। लेकिन दोस्तों, आप इस दमदार अभिनेता के बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद आप इनकी फैमिली के बारे में जानते होंगे कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं इनके परिवार की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की फिल्मों की मीठी सी कहानी को चटपटा बनाने में एक विलन का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए तो हिंदी सिनेमा में हीरो से जल्दी विलन प्रसिद्ध हो जाते हैं। और एक ऐसे ही विलन है अभिनेता मुकेश ऋषि, जिन्होंने फिल्मों के हीरो से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को बहुत डराया है और एक खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। खलनायक के रूप से ये मशहूर अभिनेता जम्मू कश्मीर के एक मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जहाँ इनके पिता मिस्टर ऋषि एक प्राइवेट जॉब करते थे और माता एक हाउसवाइफ हैं, पर वो हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इसलिए ना तो उनकी कोई तस्वीर है और ना ही कोई ज्यादा जानकारी। माता पिता के बाद बात करते हैं इस फैमिली के स्टार मुकेश ऋषि की, तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1956 को जम्मू में हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने जम्मू से सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टर बनने के लिए मुंबई की ओर रुख किया। पर एक्टर बनना इनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ। इन्होंने काफी ऑडिशंस दिए पर कोई बात नहीं बनी। वहां पर इनके लिए जिंदगी बिताना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान स्टोन क्रशिंग का 2 साल तक काम किया। बाद में ये पैसे कलेक्ट कर फिजी में काम करने के चले गए थे, वहां से एक्टिंग की क्लासेस ली और वापस आकर फिल्मों में फिर ऑडिशन दिए, और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और इस तरह इन्हें अपना पहला ब्रेक 1988 में टॉलीवुड में मिला था। वहां फिल्म ना बन पाई, जिसके बाद इन्होंने अपना रुख हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर किया, और कई फिल्मों के ऑडिशन देने के बाद इन्हें साल 1990 में फिल्म घायल के में बतौर सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। इस तरह इस फिल्म के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया था और लोगों से प्रशंसा हासिल की थी। इस फिल्म में इनके शानदार प्रदर्शन को देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए। इस तरह इन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया, जिसमें हमला, गर्दिश, सुरक्षा, बाजी और रामशास्त्र जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी और तमिल की फिल्मों में भी काम किया है। वर्तमान में भी इन्होंने अपनी फिल्मी करियर को जारी रखा हुआ है। हाल ही में आई फिल्म गुल मकई में काम किया था। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया है, जो आज इनकी धर्मपत्नी है, और उनका नाम है केशनी ऋषि। जब ये फिजी एक्टिंग की पढ़ाई करने गए थे, वहीं इनकी होने वाली पत्नी से मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्यार इतना बढ़ गया था कि केशनी को भारत ले आए और उनसे शादी कर हमेशा के लिए उन्हें अपना साथी बना लिया। आज दोनों की शादी को काफी साल बीत चुके हैं और इन बीते साल में दोनों एक बेटे और एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। आपको बता दें, इनकी पत्नी तब से लेकर अब तक बतौर हाउसवाइफ इनके साथ अपने घर को संभालती हैं। वही बात करें इनके बच्चे की, तो इनके दो बच्चे हैं, बेटे राघव ऋषि, जो कि बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म द ग्रेट इंडियन एस्केप, खुले आसमान की ओर में लेफ्टिनेंट पारुलकर का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी और वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी है। वही बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी एक बेटी है जो काफी छोटी है और लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इस खतरनाक विलन की फैमिली हिस्ट्री जानकर कैसा लगा? वैसे आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही और भी बॉलीवुड एक्टर की फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।